For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. नमस्कार, मैं राजन राय, फेस वार्ता कैम्प में हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क हिंदी समाचार पांच दर्शकों देखेगी। आज के जो खास मेहमान है ओम प्रकाश शर्मा, वो किसान कल्याण की समय समय पर और आज समाज में उनका एक अलग ही पहचान। आइए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराता हूँ, ओम प्रकाश शर्मा सर। नमस्कार सर, आपने अपना मूल्यवान समय फेस वार्ता की टीम को दिया, इसका तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। ओम प्रकाश जी, अभी दिल्ली में उपचुनाव है, पांच पार्टी पे आप पांच कैंडिडेट उपचुनाव में उतारे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले जो हमारे उपचुनाव हैं उसमें पार्टी बड़े ईमानदार से जीत जी। सर अभी 40 दिन एक ठीक ठाक नॉर्थ में कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील हो चुकी थी, हमने जयप्रकाश जी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि इसकी दोषी आम आदमी पार्टी है जो हमारे फंड को रिलीज नहीं करती। और जब मैं गोयल साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी दोषी है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ठीक ठाक इस बात पीसी, मेरे जैसा आम आदमी बहुत परेशान हुआ सर, जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिले। देखिए इसके बारे में आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जब ट्राइफिकेशन शीला जी के समय में हुआ जी, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जब तीन हिस्से हुए तो उन तीनों हिस्सों को उनका फाइनेंशियल सिस्टम चलाने के लिए जी एक वित्त आयोग की स्थापना की गई, और वित्त आयोग एक यूनानिमस बॉडी है जो कि ये तय करती है कि जो सरकार से जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है जनता से उसमें कितना हिस्सा दिल्ली की सरकार का और कितना हिस्सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होना चाहिए जी। तो जहाँ तक सवाल केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की सरकार का है, 2015 से लेकर लगातार हम लोग हाउस और हाउस के बाहर ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि जो भी लेजिटिमेट पैसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बनता है वो आपको देना चाहिए जी, लेकिन एक सौतिया ढहा रखने की वजह से केजरीवाल जी जो पैसा उनका लेजिटिमेट बनता है वो हमको नहीं देने की वजह से कॉरपोरेशन अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं चला पा रही, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और दिल्ली की जो जनता है वो उस चीज़ को नोटिस भी कर रही है और उसको समझ भी रही है कि बार बार जो पैसे की दिक्कत की वजह से हड़ताल होती है और जब आखिरी समय पर आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, जिससे कि जो दिल्ली की जनता केजरीवाल की जो कार्यकलाप है उसका भुगतान दिल्ली की जनता कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में दिल्ली की जनता इन सब चीज़ों का रिवेंज आम पार्टी और केजरीवाल जी की पार्टी से लेगी। अच्छा सर, जो एक साल के बाद अभी चुनाव है, इस बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपना कब्जा करेगी? निश्चित रूप से जनता वोट देगी और जनता के वोट से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दिल्ली की जनता को एक अच्छा प्रशासन देगी जी। सर एक आखिरी प्रश्न सर, बड़े बड़े घोटाले का आरोप, क्योंकि जहाँ तक सवाल सारा मेरा आप शायद समझ लें, जहाँ तक सवाल आरोपों का है तो आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना ये केजरीवाल जी की फितरत रही है। यदि कोई आरोप सही रूप में है तो कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, तो एक सिस्टम है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, तो उनको जाना चाहिए। और वास्तव में यदि कोई घोटाला है तो उस घोटाले को उजागर भी करना चाहिए और उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपको मूल्यवान समय है, मैं देख रहा हूँ कि अरुण जेटली जी की एक बहुत बड़ी फोटो है, उस पर आपने हार भी लगाया हुआ है, क्या आप अरुण जेटली जी से बड़े खास थे या उनके कार्यकाल से आप बड़ा? मैं सन 1972 से 2019 तक जी माननीय जेटली जी के सानिध्य में मैंने काम किया है और इसीलिए मेरी उनके प्रति जो श्रद्धा है जी उसी का एक ये स्वरूप है। आपके अच्छे मित्र भी थे? अब सानिध्य में जब आदमी काम करता है तो बहुत अनेकों अनेक रिश्ते बनते हैं, वो मेरे मेंटर भी थे, दोस्त भी थे, गुरु भी थे, तो सभी कुछ सभी रूपों में मैंने उनको देखा है। अच्छा, तो आप उनके नेतृत्व में उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं? निश्चित रूप से जी। सर फेस वार्ता के माध्यम से आप कुछ भारतवासियों से कहना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर? नहीं, उपचुनाव में तो जनता वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी
भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन जहाँ तक सवाल देश का है, जी, गांव गरीब किसान के लिए जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, जो पिछले साल कोविड की वजह से 2,00,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा अनेकों अनेक देशों को और दिल्ली की और देश की पूरी जनता को मुफ्त दवाई लाभान्वित लगाने के बाद भी किसी प्रकार के टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई, ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे गरीब लोग हों या वंचित वर्ग हो, उसके लिए बजट में ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे कि हम समाज का जो वंचित वर्ग है उसके लिए ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। ये थे ओम प्रकाश शर्मा जी, बड़े उच्च कोटि के विचार रखे और जेटली साहब के खास, बिल्कुल कहा कि मैं उनके नेतृत्व में चलता हूँ, उनके मार्गदर्शन में चलता हूँ। देखिए, जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहूँगा, प्रतिनिधि एक अच्छी सोच और अच्छे काम और अच्छे विकास करता है तो हम विकास करते हैं और हमारा देश विकास करता है। और हाँ, 28 तारीख को उपचुनाव हुआ, जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ते और जनता फैसला करेगी। इसी के साथ लेता हूँ विदाई, मैं राजा नाई फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आते हैं।